Hey foodies, welcome back to Food Love. आज मैं बनाने जा रही हूँ करंदी ऑमलेट। ये एक साउथ इंडियन ऑमलेट रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटी प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद हो, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा अच्छे से डालें, इससे जो एग की तीखी स्मेल होती है वो चली जाती है। एक पिंच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक पिंच हल्दी पाउडर, ये हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। नमक स्वाद अनुसार और एक अंडा, अंडे को इस तरह से तोड़कर इसमें डाल दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे। तो इसे आप तब तक फेटें जब तक ये थोड़ा सा इसमें झाग ना आ जाए, ये फ्रॉथी ना हो जाए। तो करीब आधा से एक मिनट इसे फेट लें। तो देख सकते हैं आप, इसमें अच्छे से ऊपर झाग आ चुके हैं। जितना ज़्यादा अच्छा फिटेगा उतना अच्छा ऑमलेट बनेगा। उसके बाद हमें चाहिए तड़का पैन, ये वंडर शेफ का तड़का पैन मैंने लिया है। इसको हम गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे बटर। बटर थोड़ा अच्छे से डालें, इसमें बटर थोड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छे से बटर को फैला लेंगे पैन में और गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और उसमें ये सारा एग मिक्सचर हम डाल देंगे। तो एक एग से एक पोर्शन बनता है, तो आपको जितने भी ऑमलेट बनाने हैं आप इसी तरह से बना लें। और इसे हल्की गैस पे ही पकाएंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है तो पकने में टाइम लगता है। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे करीब एक मिनट तक। तो ये देखिए, ये एक तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे पलट देखें, तो इसे अच्छे से पलट दें। देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, करीब आधा मिनट लगेगा दूसरी तरफ से सिकने में। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है और ये आपका करंदी ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी है बनाना, बहुत फटाफट बन जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड लव को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।